हेलो बच्चों, मैं ओम्बिर जिंदर और हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं। बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बेसिस पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इवन अगर हमारे पास कोई अननोन बॉडी है और उसका हमें रेजिस्टेंस निकालना हो तो हम वो लोग वो भी कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज कोई बहुत बड़ी साइंस या रॉकेट साइंस नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज केवल एक डिज़ाइन है। किस बात का डिजाइन भाई? एक ऐसा डिजाइन जिसमें चार रजिस्टर को इस तरीके से अरेंज किया बाबा व्हीटस्टोन ने कि हम लोग उन चारों में से किसी भी एक को इन टर्म्स ऑफ थ्री कैलकुलेट कर सकें। व्हीटस्टोन ब्रिज में चार रजिस्टर को डिजाइन किया गया, अरेंज किया गया एक ऐसे फॉर्मेट में कि हम उसमें से एक रजिस्टर को उन तीन की टर्म्स में कैलकुलेट कर लें, कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन बाबा का नाम था, ब्रिज उन्होंने बनाया, एक ब्रिज बनाया है, ब्रिज टाइप एक स्ट्रक्चर बनाई और उस बेसिस पर इसका नाम क्या पड़ा, व्हीटस्टोन ब्रिज। आइए देखते हैं वो स्ट्रक्चर क्या थी। बच्चों, ये है वो स्ट्रक्चर। उसने चार रजिस्टर को R1, R2, R3, R4 चार रजिस्टर्स को इस तरीके से अरेंज किया और उन चारों रजिस्टर से बनने वाले जो चार कॉर्नर थे उनमें से दो कॉर्नर में तो बैटरी कनेक्ट कर दी, यहां से एक बैटरी कनेक्ट की हुई है, और जो बचे हुए दो कॉर्नर थे उन बचे हुए दो कॉर्नर में उन्होंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है जो बहुत छोटे से करंट को भी मेजर कर लेता है, बहुत छोटे से करंट को भी फील कर लेता है। तो उन्होंने यहां पर एक सेंसिटिव सेंस कर लेता है, एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर लगाया। गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करेगा बस, बाकी कोई खेल नहीं उसका। बच्चों, उन चारों को इस तरीके से यहाँ पे जोड़ा गया और उनका नाम रख दिया गया चारों रजिस्टर का R1, R2, R3 एंड R4। अगर उनका चारों का नाम ये रखा गया और बीच में गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया गया और उन चारों को फिर एक बैटरी जिसका वोल्टेज V से जोड़ा गया, तो उसके बाद क्या कंडीशन आती है इस व्हीटस्टोन ब्रिज की? ये है वो स्ट्रक्चर, ये है वो डिज़ाइन, ये है वो अरेंजमेंट जो व्हीटस्टोन ने बनाया था। बच्चों, इस डिज़ाइन की दो स्टडी होती हैं। एक हम इसकी स्टडी करते हैं बैलेंस स्टडी, या मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ अनबैलेंस स्टडी। अनबैलेंस स्टडी क्या होती है, आइए समझते हैं इसको। अनबैलेंस स्टडी वो होती है तब इस व्हीटस्टोन ब्रिज के स्विच यानी कि बैटरी से जोड़ने के बाद, स्विच ऑन करने के बाद, अगर गैल्वेनोमीटर में करंट हो, देयर इज अ करंट इन गैल्वेनोमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर में करंट है तो हम उस स्टडी को क्या कहेंगे कि उनका ये ब्रिज अनबैलेंस्ड है, यहाँ पर कोई बैलेंस पॉइंट्स नहीं है, ये बैलेंस्ड नहीं है। ये थी इसकी अनबैलेंस स्टडी जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है और हम नहीं पढ़ा करते हैं। बच्चों, अब मैं आता हूँ उस पर जो हमें स्टडी करना है, दैट इज़ बैलेंस स्टडी। तो बैलेंस स्टडी क्या होती है? देर इज़ नो करंट। अगर मान लीजिए वहाँ पर कोई करंट नहीं है, किसमें? गैल्वेनोमीटर में। देर इज नो करंट। अगर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा इस गैल्वेनोमीटर में तो हम कहेंगे ये डिवाइस या ये बेसिकली डिज़ाइन या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस सिचुएशन में है, बैलेंस्ड सिचुएशन में है, क्योंकि इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ये बैलेंस्ड कब होगा? तो मान लीजिए मैं इसके नाम रख देता हूँ A, B, C और D। बच्चों, तब भी ये बैलेंस कंडीशन में होगा या पोटेंशियल ऑफ बी बराबर होगा पोटेंशियल ऑफ डी के। माइंड इट, अगर बी और डी का पोटेंशियल बराबर है तो इस गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं हो रहा, एक ही तो बात है। और उन्होंने कहा कि बैलेंस कंडीशन में अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा, अगर इस पॉइंट बी और डी का पोटेंशियल बराबर है, तो उस कंडीशन में जो रेशियो ऑफ रेजिस्टर्स है R1 by R2 दैट इज इक्वल टू R3 by R4 बराबर होंगे, दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। यहां पर इसमें R1 by R2, R3 by R4 कब बराबर होंगे? तब ये पोटेंशियल बराबर होगा या आपके गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, नो करंट फ्लो इन दैट गैल्वेनोमीटर। ये बात बोली उन्होंने व्हीटस्टोन ब्रिज ने बैलेंस कंडीशन में। अब बच्चों, इसका हमें प्रूफ देना है कि ये आया कैसे। बच्चों, मैं इसको प्रूव भी करूंगा, हम इसके यूज भी बताएंगे, इसके एप्लीकेशन पार्ट की स्टडी करेंगे, जितना भी इस व्हीटस्टोन ब्रिज में है पूरे का पूरा हम लोग पढ़ने वाले। बस आप पेन कॉपी निकाल के जल्दी से चीज़ों को लिखते रहिए, समझते रहिए कि मैं क्या बताते जा रहा हूं आपको, और उस कंडीशन में अगर आपको कोई डाउट आता है तो जरूर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि ये चीज़ हमें नहीं समझ आई, ये चीज़ सिचुएशन थी, इस सिचुएशन पे हम लोग बात करने वाले हैं, इसको मैं प्रूव करने वाला हूं। तो अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रूफ।
बच्चों अगर हमें इसको प्रूफ करना हो तो प्रूफ के लिए हम किस तरीके से इसको प्रूफ करते हैं, उसके लिए आपको आना चाहिए किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। देखिए कैसे, मान लीजिए इस बैटरी से करंट फ्लो स्टार्ट हुआ आई, फिर से ध्यान देना मेरी बात पे, बहुत फोकस होना, यहां से करंट फ्लो हुआ आई। अब ये जो करंट आई फ्लो हो रहा था वो यहां आके डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट गया। हम केवल बच्चों बैलेंस सिचुएशन पढ़ रहे हैं, इसकी अनबैलेंस हमें नहीं पढ़नी है। यहां से करंट आई गया, इधर जो करंट गया हमने उसको कह दिया कि यहां पर करंट चला गया मान लीजिए आई वन। ऑलराइट, इस आई के दो टुकड़े हुए, इधर चला गया आई वन, इधर की तरफ जो करंट गया बच्चों हमने उसका नाम दे दिया, मान लीजिए हम उसको कह देते हैं आई टू। राइट, आई वन करंट इधर चला गया, आई टू करंट इधर चला गया। इस गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं होना, इसका मतलब यहां पर जो करंट फ्लो हो उसको मैंने नाम दिया आई जी, और दैट आई जी इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। उस गैल्वेनोमीटर के करंट को क्या मान लिया हमने, जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आई वन करंट यहां से गया था वही आई वन करंट यहां भी चला गया, आई वन करंट यहां पे गया, और इधर से जो ये आई टू गया था वही आई टू इधर चला गया आई वन, और इधर भी क्या चला गया आई टू। बच्चों अगर ये दोनों आई वन आई टू यहां से ऐसे ब्रेक हुए थे और यहां जाके कंबाइन हुए तो यहां पे कितना करंट फ्लो हुआ, फिर यहां पर करंट फ्लो हुआ फिर से आई। टोटल करंट क्या फ्लो आपका, आई टोटल करंट फ्लो हुआ। अच्छा हाँ, विजिबल है, दैट्स ओके। तो यहां से हमने देखा कि भाई ये करंट आई है, यहां से आई वन आई टू ऐसे जाते हुए आई वन आई टू कंबाइन होकर फिर आई करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया इसके अंदर। राइट, हमें ये बात प्रूव करनी है, इसके लिए मैं अब यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ यूज करता हूँ। बच्चों किरचॉफ्स लॉ यूज करता हूँ, किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, तो किरचॉफ्स में लूप चाहिए होती है, लूप, क्योंकि पहला फर्स्ट केवी केसीएल तो हमने अप्लाई कर लिया, केसीएल क्या होता था, किरचॉफ्स करंट लॉ होता था, जिसमें हमने क्या किया कि जो करंट यहाँ से आया था उस करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना था और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, हो गया। इसके बाद वाला पॉइंट आता है केवीएल, मींस हमें एक लूप के अंदर सभी पोटेंशियल्स के एडिशन को, एल्जेब्रिक सम को जीरो पुट करना है। तो यहां से हमने एक लूप ये अज्यूम किया पहले, और एक दूसरा लूप हमने ये मान लिया, ये हमने दो लूप लिए। बच्चों दो लूप क्यों लिए, क्योंकि हमारे पास करंट दो है आई वन और आई टू। अब इन लूप को सॉल्व करना है बस। अगर मैं इस लूप को सॉल्व करना स्टार्ट करूं तो मैं यहां पर लिख देता हूं लूप वन। लूप वन का नाम मैं देता हूं आपको ए बी डी ए, ए बी डी ए। इस ए बी डी ए में क्या क्या आता है, आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहां से हम चले करंट रजिस्टर, मींस आई वन आर वन, करंट की डायरेक्शन भी ऐसी, हम भी इसी तरह डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर रहे हैं क्योंकि हमें ए से बी पर जाना है, आई वन आर वन। आगे बढ़े, यहां पर करंट जीरो है, गैल्वेनोमीटर के पास रेजिस्टेंस होगा थोड़ा बहुत, लेकिन करंट जीरो होने से कंसिडर नहीं हुआ। इधर आए, यहां पर आके देखा तो करंट इधर जा रहा है और हम इधर जा रहे हैं अपोजिट, इसका मतलब माइनस आई टू आर थ्री, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं ऐसा मान लूं कि इसको मैं उधर लेके चला गया, तो अब इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, मैं इस इक्वल टू के साइन को यहां लग देता हूं, प्लस जो ही माइनस का था वो क्या हो गया, वहां पे प्लस हो गया। तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन आया, और वो रिलेशन क्या आया बच्चों, वो आया कि अगर मैं आई वन अपॉन आई टू कर लूं, आई वन अपॉन आई टू कर लेता हूं, तो यहां पर रेशियो क्या हो जाता है, ये आर थ्री अपॉन आर वन, ये रिजल्ट मिला फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट लूप से। बच्चों अब हम सेकंड पर आते हैं, सेकंड लूप की बात करते हैं। बच्चों सेकंड लूप अपनी क्या है, सेकंड लूप हमने ये मानी हुई है, इसका नाम मैं देता हूं बी सी डी बी, बी सी डी बी। इसको भी हमें खेल खेलना है, तो क्या देखेंगे, बी से सी जाएंगे तो रेजिस्टेंस आर टू और करंट कितना आई वन, तो मुझे यहां पर लिखना चाहिए आई टू, आई टू के वन, आई वन, आई वन आर टू। फिर यहां से हम लोग यहां पहुंचे, इधर से इधर आते हैं तो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पे क्या आएगा, माइनस क्या आई टू आर फोर, आई टू आर फोर, दैट इज इक्वल टू जीरो। इसको हम उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे, आई वन आर टू इज इक्वल टू आई टू आर फोर। यहां से बच्चों फिर से हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं, मैं इस खोपचे में फिर लिख रहा हूं इसको, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा पूरा। ऑल राइट, तो यहां से आई वन आर टू इज इक्वल टू आई टू आर फोर में हमने क्या लिखा निकाला, यहां से आई वन बाय आई टू दैट इज इक्वल टू आर फोर बाय आर फोर बाय आर टू।
ये रिलेशन हमारे पास आया। बच्चों यहां से हमने देखा कि I1 by I2 is equal to R3 by R1, और यहां पे भी I1 by I2, यानी कि I1 I2, I1 I2, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर I1 I2 बराबर है तो ये दोनों बराबर होंगे, तो इससे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड से हमें जो रिजल्ट मिला ऑन सॉल्विंग वन एंड टू, जो हमें रिजल्ट मिलता है क्या मिलता है, यहां से हमें मिलता है ये आर फोर बाय आर टू दैट इज इक्वल टू आर थ्री बाय आर वन। आप सोच रहे हो ऐसा नहीं बना रही, ये एक ही बात है। कैसे एक ही बात है, चलो उसको भी बता देता हूं। बच्चों अगर मैं इसको इधर ले आऊं और इसको यहां ले आऊं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम इधर ले गए और इसको यहां पर ले आए। अगर मैं ऐसा करता हूं तो यहां लिख रहा हूं अभी से, मैं आर फोर को यहां ले गया, आर वन को इधर ले आया, तो क्या बन गया ये आर वन बाय आर टू, और ये क्या बन गया बराबर आर थ्री बाय आर फोर। ये हमने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूव्ड कि जरूर R1 by R2 और R3 by R4 होता है। अच्छा इसको प्रूफ करने से क्या मिल गया भाई हमें, अब ये हमने कर लिया, बट इससे क्या साबित होता है, क्या समझते हैं आप इससे? तो इससे मैं समझ आता है कि अगर मान लीजिए मैं एक दो तीन R2, R4 और R3 की वैल्यू गिवन है और आपसे वो R1 की वैल्यू पूछता है, किसकी वैल्यू पूछता है आपसे, वो R1 की वैल्यू पूछता है, तो आप R1 की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए मैं इसे हटा दूं क्या, चलो एक बार आप ऐसा लिख लीजिए, फिर मैं इसको डिटेल में बताता हूं। जल्दी से राइट डाउन लिखें फटाक से, जो मैंने पूरी कहानी सुनाई है उसको। ओके बच्चों, जैसे मान लीजिए हमारा जो रिजल्ट आया था, मैं अभी इसी इसको मैं हटा रहा हूँ कुछ देर के लिए, है ना, ये हमारे पास जो रिजल्ट मिला था हमें अभी, और इस रिजल्ट में अगर हम लोग देखें तो R1 by R2 is equal to R3 by R4 हमने प्रूव कर लिया। अगर मान लीजिए आपसे R1 की वैल्यू वो निकलवाता है, बाकी तीनों रेजिस्टर, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, तीनों रेजिस्टर की वैल्यू दे देता है R3 by R4 into R2, आप डायरेक्ट ही यहाँ से R1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये एक वो तरीका है, वो मेथड है जिसमें हम अननोन रेजिस्टर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये व्हीटस्टोन एक डिज़ाइन बना के दिया था और उस डिज़ाइन पे बेस्ड पूरी की पूरी कहानी को हम लोग इस तरीके से स्टडी करते हैं। तो इस व्हीटस्टोन ब्रिज की कहानी में हमने अननोन रेजिस्टर, एक अननोन रेजिस्टर निकालने का तरीका सीखा और हम इसको डिस्कस करते हैं, डील करते हैं बैलेंस्ड कंडीशन में, बैलेंस्ड कंडीशन में, माइंड इट, जो मैंने भी बताया था बैलेंस्ड कंडीशन कब होती है, बैलेंस कंडीशन तब यहाँ पर करंट फ्लो मत हो रहा हो। अगर यहाँ पर करंट फ्लो होगा, अगर मान लीजिए इस वाली गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो हो रहा है, करंट में ये वाला गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो भाई साहब हम नहीं खेलेंगे, मतलब हम नहीं खेलेंगे का मतलब ये हुआ कि हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, वो हमारे काम की बात नहीं, क्योंकि अनबैलेंस कंडीशन हमें स्टडी नहीं करनी है। तो अगर करंट का फ्लो जीरो आपको दे रखा है, एक बात, अगर आपको इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल बराबर दे रखा है, दूसरी बात, अगर आपको इन सभी रेजिस्टर का रेशियो बराबर दे रखा है, तीसरी बात, ये तीन कंडीशंस अगर आपको मिल जाती हैं और आपको समझ आ जाती हैं तो आप कह सकते हैं कि हाँ अब हम व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट लगा करके किसी भी अननोन क्वांटिटी को, अननोन रेजिस्टेंस की क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर कहूँ तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो ऐसे मान लीजिए ये हमारे पास एक व्हीटस्टोन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, अभी और बाकी क्वेश्चन और बाकी चीज़ें हम लोग करेंगे इसमें, और ये जो गैल्वेनोमीटर है यहाँ पे करंट जीरो होगा या नहीं आपसे पूछ लिया, और इसकी वैल्यूज दे रखी है आपको मान लीजिए 2, 4 और 3, 6, और पूछा कि इसमें गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो होगा या नहीं होगा, तो आप कैसे करेंगे 2, 4, 1/2, 3, 6, 1/2, इसका मतलब ये रेशियो क्या है बराबर, ये रेशियो बराबर तो क्या हुआ, इन दोनों का पोटेंशियल बराबर, इन दोनों का पोटेंशियल बराबर तो क्या हुआ, इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा, तो इसमें करंट फ्लो नहीं हुआ। इस तरीके से वो आपको कंडीशन दे सकता है, या आपसे इस तरह का भी वो अप्लाई कर सकता है, क्या कह सकता है कि भाई यहाँ पर वो बैटरी जोड़ दे, इस गैल्वेनोमीटर पर क्या कर दे, गैल्वेनोमीटर को रिप्लेस कर दे बैटरी से, और बैटरी को रिप्लेस कर दे गैल्वेनोमीटर से, फिर से गैल्वेनोमीटर को रिप्लेस कर दे बैटरी से और बैटरी को गैल्वेनोमीटर, नहीं कि इसको यहाँ ले आए और इसको यहाँ ले आए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी हम क्या कहेंगे ये हमारे पास एक बैलेंस्ड गैल्वेनोमीटर है और हम यहां पर ये वाला रेशियो वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो ये पूरी कहानी आप लिख लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं। तो बच्चों हम लोग देखो इस तरीके से भी व्हीटस्टोन ब्रिज के सर्किट्स को देख सकते हैं। जैसे ये एक सर्किट मैंने आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का बताया, यहां पर चार रजिस्टर हैं, एक गैल्वेनोमीटर इनके बीच में है और एक बैटरी बाहर लगी हुई है, पहले तरह का, इस तरह के सर्किट को व्हीटस्टोन ब्रिज कह सकते हैं। ऐसा आपको दिया हो सकता है भाई, वो जरूरी नहीं आपको इस तरह का आप यू नो इस तरह का फॉर्मेट बना के दे, वो आपको किसी भी तरह से चार रेजिस्टर देगा,
गैलोनोमीटर देगा, बैटरी देगा, करंट फ्लो कराएगा, प्रिंसी बराबर कराएगा, रेशियो बराबर कराएगा, कुछ भी करा सकता है। इसकी हम बात करें तो ये भी गैलोनोमीटर की सेप हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है गैलोनोमीटर भाई, हो सकता है गैलोनोमीटर नहीं सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज भाई, इसमें R1, R2, R3, R4 और गैलोनोमीटर जुड़ा है, बैटरी जुड़ी हुई है, तो यहां पर भी हम इसको क्या कहेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट है। ऐसा भी हो सकता है व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट, बच्चों मैं आपको बता रहा हूं ताकि क्वेश्चन में आपसे इस तरीके से घुमा फिरा के पूछेगा वो, और आपको डायरेक्ट यूज करना है, समझना है कि हाँ R1, R2 और R3, R4 का रेशियो बराबर है या नहीं है, गैलोनोमीटर में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, किस तरीके की कंडीशन आपको गिवन है। तो घबराना नहीं है, जरूरी नहीं आप ऐसा ही सर्किट देखेंगे तो ही आप कहेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज लगाऊंगा, नहीं, या ये वाला देखेंगे तो भी आप लगा सकते हैं भाई, यहां पर R1, R2, R3, R4, बैटरी, गैलोनोमीटर, और अगर मैं इसको ऐसे यहां से उठा के ऐसे इधर ले जाऊं, यहां से उठा के ऐसे उधर जाता हूं तो 1 किलोमीटर बीच में आ गया, उधर R1 R2 हो गए, इधर R3 R4 हो गए, बैटरी यहां पे जुड़ी हुई है। देखिएगा हर कंडीशन में आपको मैं बता रहा हूं, एक चार कॉर्नर बनते हैं इन चारों के कॉम्बिनेशन से रिस्ट के, एक दो कॉम्बिनेशन जो है उनमें तो बैटरी जुड़ी होती है, बचे हुए जो दो हैं उनमें क्या जुड़ा होता है, गैलोनोमीटर। तो यहां पर भी देखो दो में क्या जुड़ा हुआ है, कॉर्नर चार बने हैं, 1 2 3 4, दो में क्या जुड़ा हुआ है, बैटरी, और दो में क्या जुड़े बच्चों में, गैलोनोमीटर। तो वो क्या है, वो भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मेट है बच्चों। इसको ये मैंने आपको बताया व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज एक अरेंजमेंट है, डिजाइन है, मैंने आपको बताया इसमें क्या करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस निकालते हैं, इसके यूज के बारे में मैंने बात की। अब मैं आपको बता रहा हूं किस तरह के सर्किट हो सकते हैं, वो भी हमने बताया, इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन पार्ट पढ़ते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन की हम बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ गैलोनोमीटर, जैसे मीटर ब्रिज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपके सिलेबस में है, जो आपके सिलेबस में भाई साहब है ही, वो है सबसे इंपॉर्टेंट मीटर ब्रिज। ये एक डिवाइस है और ये आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस में भी है, तो मीटर ब्रिज हम लोग स्टडी करते हैं, ये एप्लीकेशन पार्ट है उसका, पहला एप्लीकेशन। दूसरा है CF ब्रिज, CF ब्रिज क्या होता है भाई, CF ब्रिज कैरिफोसिस ब्रिज है, ये भी आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, खैर ये वाला पहले वाला इंपॉर्टेंट है, पढ़ाया जाएगा। थर्ड इसका यूज हो सकता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स, यानी कि ये जो तरह के मैं बातें कर रहा हूँ, ये सब जो बातें हैं इन सब से हम सॉल्व करते हैं, और इसी व्हीटस्टोन ब्रिज के बेसिस पर ये एप्लीकेशन पार्ट, ये मशीन, ये डिज़ाइन बनाई हुई है, जिनसे हम लोग केवल व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई करके रेजिस्टेंस का, बैटरी का, करंट का कैलकुलेशन करते हैं। तो ये जो हमने बातें सीखी हैं इनसे रिलेटेड आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और गैलोनोमीटर में आप केवल को रेशियो बराबर करना है, और रेशियो बराबर करके आप उसको सॉल्व कर लेंगे। आइए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कि किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा इसका, आप इसे लिख लीजिएगा जो बोर्ड पे लिखा हुआ है जल्दी से। तो बच्चों ये स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देख एक नया पैटर्न है, नया डिजाइन है एक रेजिस्टर का, अब बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज का। कहा गया फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस एक्स, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करिए इन द सर्किट, इस सर्किट में When no current flow in the 5 ohm resistor, तब इस 5 ohm resistor में कोई current flow नहीं होता। इसका मतलब अगर इसमें कोई current flow नहीं हो रहा है, कोई भी current flow नहीं हो रहा है, तो बच्चों ये resistor काम का नहीं है। अब ये resistor काम का नहीं है, बाहर battery जुड़ी हुई है 6 volt की। अब आपसे पूछा कि इस X की value बता दो, तो हमारे पास चार resistor हैं, हाँ इसमें फ्लो हो रहा है करंट, नहीं फ्लो हो रहा, तो इसका मतलब ये इनका रेशियो बराबर है, हाँ बिल्कुल रेशियो बराबर है, तो रेशियो बराबर पुट कर देते हैं ना, x बाय 18, बहुत आसान, एक ही मिनट का सवाल था, प्रीवियस ईयर CBSE है, x अपॉन 18 दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन 6, यहां से x की वैल्यू निकालनी थी, x इज इक्वल टू व्हाट, अर्ली कर देते यार 18, और x की वैल्यू आ गई आपके पास 6, तो x की वैल्यू आपको यहां से आती है 6 ohm। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बट मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आपको कुछ नहीं करना है, सोचना ही नहीं है भाई साहब कुछ भी, आपको डायरेक्ट ये दिमाग में आना चाहिए कि अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा तो R1 by R2 दैट इज इक्वल टू R3 by R4, दैट्स इट, काम खत्म, वैल्यूज पुट, तीन रेस्ट दे रखे हैं, एक अननोन है, वैल्यू पुट करिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा जल्दी से इस क्वेश्चन को भी, और इसका सॉल्यूशन को भी अपने नोटबुक में चिपका दें आप, ये एक एग्जांपल था बेसिक सा। तो ये एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये इस क्वेश्चन में क्या गिवन है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है आपको द गैल्वेनोमीटर इन द ईच ऑफ द टू गिवन सर्किट, हमें दो सर्किट गिवन है, डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, इनके गैल्वेनोमीटर्स में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, इसका मतलब ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। फाइंड द रेशियो ऑफ R1 R2, तो कहता है आप R1 R2 का रेशियो बताइएगा। यहां पर पहले वाले सर्किट में गिवन है एक रेजिस्टर R1, ये अननोन है, और दूसरे सर्किट में गिवन है एक रेजिस्टर R2, ये भी अननोन है, इन दोनों का रेशियो पूछा है, ये CBSE प्रीवियस ईयर आई थिंक 13 का क्वेश्चन है।
आइए इसको सॉल्व करते हैं, पहले एक बार खुद से ट्राई करें आप अगर कर पाते हैं तो। आर वन आर टू का रेशियो निकालना है, दोनों बैलेंस है, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। अगर गैल्वेनोमीटर आपको यहाँ दे दिया है तो ठीक है, ये तो आपने देखा होता है, बट मैंने ये भी आपको बताया था कि अगर गैल्वेनोमीटर बैटरी की प्लेस चेंज हो जाए तो ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस ही रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ से आप आर वन की वैल्यू पहले निकालने की कोशिश करते हैं, चलिए करते हैं ट्राई। 4/R1 दैट इज इक्वल टू 6/9, यहाँ से R1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 9×4/6 इज इक्वल टू R1, और 9×36 और 6×36 तो R1 की वैल्यू 6, राइट। यहाँ से हम लोग ट्राई करते हैं R2 की वैल्यू निकालने का, R2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या, 6/12, हाँ भाई R1/R2 दैट इज इक्वल टू R2/8, यहाँ से R2 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं तो R2 की वैल्यू क्या आएगी, R2 इज इक्वल टू 6/8/12, 8×48/12 × 48, 4। R2 की वैल्यू आती है आपके पास 4, R2 की वैल्यू 4 आई है, R1 की वैल्यू 6 आई है, पूछा है R1/R2, अरे कर दो भाई यार, कितना आसान क्वेश्चन है, ऐसे आसान क्वेश्चन होंगे क्या। R1/R2 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 6/4 मतलब 3/2 मीन्स 3:2 आंसर हुआ। कुछ भी नहीं करना, केवल आपको R1, R2, R3, R4 का रेशियोज लेने हैं, उनको इक्वल पुट करना है, बस ये देखना है कि उसका पोटेंशियल बराबर है, कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग बैलेंस है या नहीं है, बस ये चीज़ देखनी है। जल्दी से इसको अपनी नोटबुक में चिपका दें। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों, ये वाला क्वेश्चन CBSE ने 2 बार पूछा है, आई थिंक 15 में और एक बार फिर पूछा 2009 में शायद, या फिर 17 में। क्या कहा गया है, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से कितना करंट फ्लो होगा बाय द नेटवर्क, इस नेटवर्क के द्वारा कितना करंट ड्रॉ किया जाएगा, जो ये नेटवर्क रेजिस्टर का जो फिगर में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ इस बैटरी से कितना करंट ड्रॉ किया गया, कितना करंट फ्लो हुआ, वो कैलकुलेट करना है, और ये आपको सिचुएशन दे रखी है। अब आप इसमें कैसे सोचें, आप सीरीज पैडल तो लगा नहीं सकते यार, कैसे ये सीरीज है पैडल है, क्या करें, बड़ी दुविधा है। तो हमने देखा यार, अगर ऐसा देखें हम लोग कि ये 4 रेजिस्टर हैं, और इन चारों में इनको देखें तो 1, 2 और ये 2, 4, यानी कि 1/2 और 1/2, और ये 5 बीच में आता है, कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं। हमने इसको ड्रॉ करके देखा, अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, इस वाले पॉइंट को बढ़ के ऐसा सीधा कर लेता हूँ, तो क्या हुआ, ये यहाँ पे आ गया, बीच में कौन बन गया 5, इधर की तरफ बन गया कौन 1, और इधर तरफ बन गया कौन 2, उस तरफ देखा तो उधर तरफ बन गया कौन 2, और इस तरफ आ गया कौन 4, ये आपका 1 आ गया, ये आपका 2 आ गया, ये 2×4, और ये 4 के साथ जो जुड़ा था और 2 के साथ जुड़ा था, 2 और 4 के साथ जो पॉइंट जुड़ा था उसके साथ बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे ये बैटरी लगी हुई है, और ये एक पॉइंट के एक वाले रेजिस्टर के साथ, और यहाँ पर 2 वाले के साथ, 1 और 2 वाले के साथ भी बैटरी लगी हुई है, बैटरी है 4 वोल्ट की। ओके, यहाँ पर हमने देखा क्या इनका रेशियो R1/R2 ये बराबर है क्या, देखा तो 1/2 दैट इज इक्वल टू व्हाट 2/4, बिल्कुल सही बात है 1/2, यानी कि ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो क्या यहाँ पे करंट फ्लो होगा, आंसर है नहीं फ्लो होगा। अगर यहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये दोनों के दोनों सीरीज में है और ये भी दोनों सीरीज में है, और फिर उसके बाद क्या है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो हम इसको अब सीरीज पैरेलल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर ये 1 ओम, फिर उसके बाद ये यहाँ पर 2 ओम, यहाँ पर नीचे कितना 2 ओम, और फिर यहाँ पर कितना 4 ओम, और ये ऐसे जुड़ के, और यहाँ पर 4 वोल्ट की बैटरी। भाई बीच का तो हट गया ना, क्यों हट गया, क्योंकि ये तो एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज था, और अगर ये बैलेंस है और बिल्कुल यही ये का ही, इसको मैंने इसमें ट्रांसफॉर्म किया है, और यहाँ से इसको 5 को हटा के मैंने इसका डायग्राम ये बनाया। अब यहाँ से हमने देखा तो यहाँ से ये दोनों कितना हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन है, अब तो बहुत आसान हो गया यार क्वेश्चन, 2 और 1 3, और दूसरा यहाँ पर 4 और 2 6, बैटरी फिर से 4 वोल्ट की, गजब है यार, अब भी नहीं हो रहा था तुमसे। 3 और 6 का अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करें तो क्या होगा, मान लीजिए 1/3 + 1/6 कितना आया 6, यहाँ पर 2 1 3/6 6/3 मतलब 2, यहाँ से आपके पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है 2 ओम। बच्चों हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था इस बैटरी से कितना करंट ड्रॉ हुआ,
करंट ड्रॉन निकालना था, यानी कि आई निकालना था. आई इज इक्वल टू वी बाय आर. वी की वैल्यू कितनी है? चार. आर की वैल्यू कितनी आई? दो दो. आई की वैल्यू कितनी आती है? आई की वैल्यू आई 2 एम्पियर. यार कुछ भी तो नहीं था, बस आपको यहां पर सोचना था कि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो इस बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को किस तरीके से समझा जाए, देखा जाए, ताकि हम लोग यहां से ड्रॉ होने वाले करंट को कैलकुलेट कर ले. बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज के मैंने तीन चार न्यूमेरिकल आपको कराए हैं, तीन चार बातें मैंने आपको बताई हैं इससे रिलेटेड. अब आप किसी भी बुक को खोल के देखना, आप व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन 101% सॉल्व कर पाएंगे. अगर आपसे नहीं होता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप जरूर मुझे बताइए. और अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ना, चीज़ें समझ आ रही हैं और आप यहाँ तक पहुँचे हैं पढ़ते हुए, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें. मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो शेयर करें ताकि बाकी लोग बच्चों का भी फायदा हो जाए, वो लोग जो घर में बैठे हुए हैं नहीं पढ़ रहे हैं वो भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लें और पढ़ाई करें. बच्चों इसके बाद हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद अब जो अपना टॉपिक आएगा वो इसका एप्लीकेशन पार्ट आएंगे. एप्लीकेशन पार्ट में आएगा इसका मीटर ब्रिज. मैं तब आपको मीटर ब्रिज पढ़ाऊंगा, तो उसके बाद ढेर सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग कॉम्पिटिटिव के भी और सीबीएसई बोर्ड के भी डिस्कस करने वाले हैं. लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चीज़ों को लिखते रहिए बड़े ढंग से, चीज़ों को समझते रहिए, ताकि हम लोग बड़ी आसानी से अपने सिलेबस को कवर अप कर लें, बड़े ढंग से हम इसको पढ़ लें. थैंक यू वेरी मच.